Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, मेरा नाम है ट्रेवर, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA 5। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा, ट्रेसी के लिए पमेरिनियन क्यूट डॉग हम लोगों ने दोस्तों फार्मर से यहाँ से मंगाया था। और अभी दोस्तों माइकल रेस्ट पर चल रहा है और अब हम इससे दोस्तों खेलने वाले हैं ट्रेवर से। अब ट्रेवर के आप लोग देख पा रहे हो, एक बहुत ज़्यादा गंदी बीमारी लग चुकी है ट्रेवर को, रात में बेचारा जोम्बी बन जाता है। ठीक है, इससे दोस्तों छुटकारा पाने के लिए वो ह्यूमन लैब रिसर्च सेंटर में जाने वाला है और आज उस बंदे को मारने वाला है जो दोस्तों उसने इसके साथ ऐसा किया। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो जो पिप वॉशर के जो पिल्स यहाँ पर जो ये काफ़ी तगड़ी, यहाँ पर जो भी आप लोग वो वाइन बोल लो या फिर दोस्तों ड्रिंक बोल लो इसका, ठीक है, तो ये जो था वो बहुत ज़्यादा इसको दोस्तों नुकसान करा। और जब इसके लिए अलग से केटरिंग वगैरह लेके आई गई तो उसमें दोस्तों कुछ ना कुछ तो मिक्स कर दिया जिसके कारण से इसके शरीर में ऐसे रिएक्शन स्टार्ट हो गए। ठीक है, रॉन को मैंने 10 बार बोला है कि प्लीज़ भाई उस बंदे को पकड़ के लिए लेके आ जा, लेकिन दोस्तों आज मुझे टाइम मिला है। सबसे पहले तो तू इधर आ जा बेटा, तेरी गर्दन उठा के ना यहीं से फेंक दूंगा मैं। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो उसको 10 बार मैंने बोल रखा है कि भाई कोई सो काम कर लिया कर, नहीं तो भाई इसको उठा उठा के पटकने में देर नहीं लगती मुझे। ठीक है, तो ये देखो भाई मैंने इसको उठा उठा के मार दिया है, अब क्या ही करें भाई, मार तो सकते नहीं है, दोस्ती है अपना। ठीक है, तो ये जो मैंने ले लिया है क्वाड बाइक, अब जो क्वाड बाइक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब ये वाली जो है दोस्तों कार, इसको मैं सीधा लेके जाने वाला हूँ ह्यूमन लैब रिसर्च सेंटर पर। वहाँ पर वो बंदा दोस्तों जो मेरे को अगर दिखा तो मैं उसे वहीं पर जो है टपकाने वाला हूँ। बाकी आप लोग देख पा रहे हो ट्रेवर के स्टंट कितने ज़्यादा तगड़े हो रखे हैं। ठीक है, तो मैं अब ये वाली जो है क्वाड बाइक को लेके जा रहा हूँ और सीधा मिलूंगा मैं आप लोगों को ह्यूमन लैब रिसर्च सेंटर पे। वहाँ पर दोस्तों होगा ये ऐसा कि भाई उस बंदे को मेरे को ढूंढना है और मारना है। मारने से दोस्तों कुछ फ़ायदा तो नहीं है अब, लेकिन बैल बुद्धि लोग हैं भाई, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा ट्रेवर दोस्तों दिमाग से काम कभी नहीं लेता, उसका जो अग्रेशन लेवल है वही दोस्तों उसे जो है उसका बहुत बड़ा दुश्मन है और वही उसे दोस्तों जो है हर बार मारता रहता है। ठीक है, तो अब आप लोग देख पा रहे हो जो इसने ड्रेस पहन रखी है वो मेरे ख्याल से एक, या फिर आप मिलिट्री बेस बोल सकते हो या फिर आप हंटिंग के लिए जो बंदे जाते हैं वो भी बोल सकते हो। तो फिलहाल इसके पास कुछ ना कुछ उसके राज हैं, तो जब उस बंदे को वो मारेगा तो हमारे पास रिवर्स फॉर्मूला होगा और रिवर्स फॉर्मूले को दोस्तों जो है मेरे को किसी को भी नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जान ही क्यों ना दे दूँ, पर दोस्तों मेरे को अपना जो है रिवर्स फॉर्मूला किसी को भी नहीं देना है। तो अभी जल्दी से मैं आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर ह्यूमन लैब सेंटर में आ चुका हूँ। यहाँ से मैंने स्टंट लिया जानबूझ के जिससे दोस्तों किसी को पता ना लगे, और ये मैंने दोस्तों यहाँ पर जो है पैराशूट खोल लिया। लैंडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि अगर मैं गाइस तेज से गिरा तो भाई उस बंदे को पता लग जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हो उसकी रेड कलर की जो कार है वो यहाँ पर पार्क है। ट्रेवर को बाकी सब कुछ पता है उसके बारे में, कौन है वो बंदा, क्या करता है, कहाँ रहता है। रॉन को 10 बार बोल रखा है भाई काम पर जाओ करो। तो जो आप लोग कोट वाला बंदा देख रहे हो जिसने दोस्तों ब्लू कोट यहाँ पे पहन रखा है और स्पेक्स लगा रखे हैं, ठीक है, तो स्टिकी बॉम्ब और बॉम्ब हम नहीं फेंक सकते हैं। तो मेरे को दोस्तों अगर मैं ह्यूमन लैब रिसर्च सेंटर में अगर फेंकता हूँ तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, पुलिस भी पीछे पड़ सकती है। ठीक है, तो ये देखो वो रहा वो बंदा स्पेक्स वाला जिसने दोस्तों ये काम करवाया है, क्योंकि गाइस उसकी फैमिली को मैंने जो है किल कर दिया था। पहले तो बेटा तू यहाँ से निकल ले। और ये गाइस देखो आप लोग देख पा रहे हो हमने उसको भगाने के लिए मारा ताकि दोस्तों कोई सबूत ना बने, लेकिन गाइस हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि हम लोग दोस्तों उस बंदे को लेके यहाँ से चले गए। अब फिलहाल दोस्तों जल्दी से मैं उससे जो पेपर ले लेता हूँ, पेपर लेने के बाद आप लोगों को डायरेक्ट मिलता हूँ। तो अगर गाइस मैं उसे ढूंढ लेता हूँ यहाँ पर तो नहीं ढूंढ पाया, लेकिन गाइस वो यहाँ से जा चुका है और उसने गाइस लगता है यहाँ पर कंप्लेन कर दी है जिसके कारण से 5 स्टार की पुलिस हमारे पीछे दोबारा से पड़ चुकी है। तो ट्रेवर बेटा आप यहाँ से निकल लो क्योंकि अब जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है तुम्हें। तो मैं क्या करता हूँ गाइस ये वाली कार को लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। तो ये देखो गाइस मैंने जो है ये वाली कार को ले लिया है। अब कार को लेने के बाद दोस्तों जो है मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। अब देखो 5 स्टार की पुलिस पीछे पड़ी है तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स होंगे, स्वेट सोल्जर्स आएंगे, ठीक है, पुलिस आएगी। पुलिस के बाद काफ़ी देर बाद दोस्तों मिलिट्री सोल्जर्स के टैंकर्स भी आने लग जाते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बेकार सीन हो जाता है। अब बेचारा कैसे ना कैसे करके बच के यहाँ से निकलने के लिए सोच रहा है, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो, ठीक है, तो हम लोग अब कैसे ना कैसे करके यहाँ से निकलते हैं। भाई ऐसा स्टंट करने से कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग खुद ही देखो गाइस कि इसके पास जो है वो पेपर्स है जिसमें रिवर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब जो है दोस्तों अगर ये रिवर्स फॉर्मूला लगा लेता है
तो ज़ॉम्बी जो बनता है ये वो उससे ठीक हो सकता है। ठीक है, तो अभी आप लोग देख पा रहे हो हम लोग आते आते दोस्तों रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं। लेकिन गाइज़ आप लोग को एक बात याद होगी कि यहाँ पर ट्रेन भी आ रही है, ये अच्छा मौका है हम लोग सुसाइड अटेम्प्ट यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेवर फाइनली यहाँ पर सुसाइड को अटेम्प्ट करने वाला है। 3 2 1 गो। तो ओके गाइज, आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो ट्रेवर है उसने यहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी को पेपर दे। लेकिन एक हफ्ते बाद देखते हैं गाइज क्या होता है। तो ओके गाइज, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो आफ्टर 1 वीक यहाँ पर दोस्तों ट्रेवर बच जाता है, और ट्रेवर बचने के बाद उसकी दिमागी हालत जो है वो बिल्कुल ही बिल्कुल ख़राब हो जाती है। अब आप लोग देख पा रहे हो कचड़े से दोस्तों जो है वो उठा ले रहा है कुछ भी। तो मेरे ख्याल से अब इसके पास जो पेपर वो सही सलामत रखा भी होगा अगर कोट पैंट में, तो गाइज़ इसका यूज़ जो है वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी जो दिमागी हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ठीक है, और जिसके कारण से इसको जो है दोस्तों दौरे वगैरह भी बीच में पड़ने लग गए हैं। अब वो ट्रेन का जो लोहा था, हालांकि दोस्तों मुझे नहीं पता कैसे बच गया ये, क्योंकि ट्रेन का सिर्फ इसे धक्का ही लगा था, और धक्के लगने के बाद इसकी जो ज़मीन से पैर थे वो उठ गए थे। लेकिन गाइज़ मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे कोई बच सकता है, पर दोस्तों कैसे ना कैसे करके बाय लक दोस्तों ट्रेवर जिंदा है, और अब दोस्तों मर जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि पेट्रोल पंप के पास अगर तूने कार ही ब्लास्ट कर दी, अरे बाप रे। चलो कोई नहीं, लगता है दोस्तों ये जिसकी कार थी वो कार पूरी की पूरी आर्मर्ड है, तो जिसके कारण से हम लोग बच गए हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ ट्रेसी के पास। अब देखो एवं दिमाग में कुछ भी आ जाता है गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो भाई कितनी तगड़ी कार ड्राइविंग कर रहा है ये बंदा। ठीक है, अब ये जा रहा है माइकल के घर में, क्योंकि इसका जो मेन दुश्मन है वो माइकल ही है। ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं माइकल के घर पर, और माइकल के घर पर दोस्तों जब ट्रेसी इसे टी अंकल करके बुलाती है, तो यहाँ पर दोस्तों ट्रेवर का जो माइंड सेट है वो ट्रेसी के मतलब ट्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा अलग माइंड सेट है उसका। तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद डायरेक्ट दोस्तों ट्रेवर जो है सीधा जाता है ट्रेसी के रूम में, और ट्रेसी की दोस्तों आप लोग को पता नहीं है ट्रेसी की सीक्रेट जॉब लग चुकी है। ठीक है, और वो सीक्रेट जॉब दोस्तों वो जो है स्ट्रिप क्लब में जाती है मेरे ख्याल से, और ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों जो है उसमें डांस की प्रैक्टिस कर रही है, वो आप लोग देख पा रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों एज अ डांसर वो वहाँ पर लगी हुई है। तो ये देखो जब वो यहाँ पर रिहर्सल कर रही थी, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है ट्रेवर आके उसे ताड़ने लग जाता है, क्योंकि दोस्तों उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, तो अभी दोस्तों यहाँ पर जो है ट्रेवर के रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा बेकार रहते हैं, तो आप लोग देख ही पा रहे हो गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा ट्रेवर क्या मैं भी ट्रेवर हद हो गई यार। ठीक है, तो जैसे दोस्तों यहाँ पर जो है ट्रेवर को मैं आप लोगों को दिखा नहीं रहा हूँ ट्रेवर क्या कर रहा है। ठीक है, ट्रेसी को देख के पता नहीं भाई उसके दिमाग में क्या, वो भयंकर। लेकिन ट्रेसी का पमेरियन डॉग आ जाता है, और वो दोस्तों इसको जो है गिरा गिरा के दोस्तों ठोकने लग जाता है यहीं पर। अबे 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 भाई छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तो पमेरियन डॉग के दोस्तों जो दांत हैं भले छोटे होते हैं, डॉग भी छोटा है, और यहाँ पर ट्रेसी देख पा रहे हो सर पे कैसे अपने हाथ रख के कर रही है कि भाई ये क्या हो गया, टी अंकल यहाँ पर कैसे आ गए, और हमारा जो पमेरियन डॉग है जो कि हम कल ही लेके आए हैं, तो यहाँ पर ट्रेवर को बहुत ज़्यादा कंधा उसने काट दिया है। बाहर आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ओपे इधर आ जा। सबसे पहले पमेरियन डॉग को जैसे ही हम लोगों ने पकड़ा तो एक लैब्राडोर और आ जाता है, तो लैब्राडोर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो दोनों मिलके हमें काटना शुरू हो चुके हैं। तू भी बेटा इधर आ, तेरी गर्दन पकड़ के फेंक दूंगा, निकल जाए यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ही गाइस मैं इसे फेंकता हूँ, पमेरियन डॉग दोस्तों है तो छोटा लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब इसने बेसबॉल बैट निकाल लिया है उन्हें दोस्तों मारने के लिए, लेकिन गाइस ये कहीं ना कहीं से ला के मुझे अटैक कर देता है, और फाइनली दोस्तों ट्रेवर फिर से हॉस्पिटलाइज हो जाता है। गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, जिसमें दोस्तों ट्रेवर ने ट्रेसी के पेट को और साथ में जिमी के भी पेट को बहुत तगड़ा स्कूल किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।